हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी VSDC वीडियो एडिटर ट्यूटोरियल, जो कि काफ़ी हिट रही है और यूट्यूब पे अभी भी टॉप रैंक है और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ उस पर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है। तो कल मुझे उस पर एक कमेंट मिला है, वो 28 मिनट्स की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको तमाम एडिटिंग करना सिखा दी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। तो कल एक कमेंट आया है, आप भी पढ़ लें स्क्रीन से। सर, VSDC से शॉर्ट वीडियो एडिट का एक वीडियो लाएं प्लीज़। सर, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आता है, सबसे अच्छा आपका ही लगा मुझे। ये कमेंट पढ़ रहा है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करें कि सर ये वीडियो अपलोड करें। तो मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, लाइक मैंने आपको हर्ट भी दे दिया है। तो देन अब आपके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको फाइनली सिखाने जा रहा हूँ शॉर्ट्स को एडिट करना, किस तरह आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो को एडिट करेंगे अपने VSDC वीडियो एडिटर के साथ, ताकि आप इसको अपलोड कर सकें। नेक्स्ट 2023 में शॉर्ट्स पे भी मोनेटाइजेशन आपको मिलने जा रही है। सो लेट्स गेट रेडी टू अर्न मनी फ्रॉम शॉर्ट्स एज वेल। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइज, VSDC फ्री वीडियो एडिटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप उनकी वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पेज को आप जैसे ही ड्रैग नीचे करोगे तो आप 32-bit या 64-bit के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम इसमें सिर्फ शॉर्ट्स को एडिट करना सीखेंगे। लॉन्ग वीडियोज़ के लिए मैंने ऑलरेडी 28 मिनट्स का ट्यूटोरियल अपलोड किया था, जो कि एक बेहतरीन ट्यूटोरियल रहा है और टॉप रैंकड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है। अब ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करते वक्त यहाँ पे मेन सेटिंग करनी है। यहाँ पे देखें कि आपने रेजोल्यूशन जो विथ है वो 720 चूज़ करनी है, हाइट जो है वो 1280। ये हमारे पास शॉर्ट्स के लिए सबसे अच्छी सेटिंग होती है। प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं शॉर्ट्स यहाँ पे नाम दे देता हूँ। और फ्रेम रेट आपने 25 FPS ही चूज़ करना है। यहाँ पे सेटिंग्स को आपने ध्यान से देख लेना है, विथ 720, हाइट 1280 और FPS जो हैं वो 25 चूज़ कर लिए, यही स्टैंडर्ड है। फिनिश करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी विंडो सामने आ जाएगी। ये देखें कि यहाँ पे प्लेयर में अब हमें एक शॉर्ट्स की तरह की एक प्रीव्यू मिलेगा। तो यहाँ पे पहले हम सीखते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग वीडियो है तो उसमें से शॉर्ट वीडियो कैसे निकालनी है। यहाँ पे मैं एक वीडियो लेके आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक बनी हुई वीडियो है ऑलरेडी, मैं इसको लेके आता हूँ VSDC फ्री वीडियो एडिटर में। यहाँ पे मैंने ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गई, ठीक है। अब ये वीडियो देखें बहुत छोटी आ रही है, इसको फुल स्क्रीन पे लेके आने के लिए आप या तो इस पर क्लिक करें वीडियो पर, और इसको कॉर्नर से पकड़ के ऐसे खींच लें। एक सोल्यूशन ये है, दोनों चारों तरफ आपको खींच के ये करना पड़ेगा और ये काफ़ी टाइम लेगा और ये अच्छा भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि आपने वीडियो इफेक्ट्स में आना है। वीडियो इफेक्ट्स में आके आपने आना है ट्रांसफार्म में। यहाँ पे हमारे पास देखें वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांसफार्म, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है जूम, आपने इसको चूज़ करना है। यहाँ पे मैं ट्रांसफार्म में आया हूँ, यहाँ पे जूम पे आता हूँ, होल पेरेंट ड्यूरेशन, और ये आपने यही सेटिंग रहने देनी है, होल कर लेनी है यहाँ पे आपने, और इसको ओके किया। अब यहाँ पे हमारे पास इसको ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें कि लेवल्स में यहाँ पे शो हो रहा है 100%। यहाँ पे आपने इसको जूम करते जाना है, इसकी ऐसे ही बढ़ाते जाएं। ये देखें जी हमारी अब स्क्रीन पे खुद आपने इस चीज़ को गौर से देखना है, जूम करते जाएं, 312% ये जूम हो गया, तकरीबन 316%। नीचे से देखें थोड़ी सी वीडियो जो है वो आउट होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी हम जूम कम कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अब हमारे पास फ्रेम बिल्कुल एडजस्टेड है, ठीक है, 312 कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ इसको देखना होता है फ्रेम को यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अब ठीक है, अब यहाँ पे ये वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, अगर तो आप लेंथी वीडियोस में से निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास वीडियो बन चुकी है। यहाँ पे अभी ये ब्लर सी आ रही है, लेकिन जब इसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये ठीक आएगी। अब देखें कि आप एक क्रिकेट की वीडियोज़ बना रहे हो या किसी भी रिलेटेड वीडियो
लंबी वीडियो लॉन्ग वीडियो से निकालनी है शार्ट, तो ये प्रोसेस है। इसको एक्सपोर्ट करो, सेटिंग्स वही रहने देनी है। यहाँ पे आपने 100% कर लेना है। यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, नीचे यहाँ पे आके आपने आउटपुट फाइल के नीचे यहाँ पे डबल क्लिक करनी है, ये सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपने 100% कर लेना है, ठीक है। अप्लाई करें, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ये देखें हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ, और नेक्स्ट हम फोटोज़ पे किस तरह एडिटिंग करेंगे, टेक्स्ट कैसे यहाँ पे ड्रा करना है, वो भी मैं आपको जल्दी से समझा दूँगा। लेकिन पहले ये वीडियो आपको एक्सपोर्ट करके दिखाना लाजमी है। यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो आई थिंक चली गई है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास शॉर्ट्स में ये वीडियो आ गई है। शॉर्ट्स में लिखा हुआ था प्रोजेक्ट का टाइटल। ठीक है, वही लॉन्ग वीडियो में से हमने ये शॉर्ट निकाल लिया। इसी तरह मैं ऑलरेडी क्रिकेट की वीडियो में से निकाल चुका हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल मैंने बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा दिया और शॉर्ट की एक वॉल्यूम लगा दिया। आप इस तरह क्रिकेट की वीडियोज जो है वो शॉर्ट्स के तौर पर बना सकते हो VSDC को ही यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब दोबारा वापस आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रेजोल्यूशन हम यही रहने देंगे। अब हम यहाँ पे लेके आते हैं अपनी इमेजेस। तमाम इमेजेस को चूज़ करें जो आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। इनको ड्रैग करो ऐसे VSDC में। यहाँ पे कहेगा जी ऐड टू लेयर, ओपन इन अ विजिट। यहाँ पे आपने करना है ऐड टू लेयर, या ओपन टू विजिट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐड टू लेयर भी कर सकते हैं। आप ऐड टू लेयर फ़िलहाल करें, तो ये एक लेयर में तमाम इमेजेस जो हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे आप इनके दरमियान ट्रांजिशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस, आप वन बाय वन यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करोगे। इनको भी आप जूम कर सकते हो, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी। यहाँ पे ये देखें, ये इमेज जो है वो कम शो हो रही है, इस पर भी आप जूम इफेक्ट अप्लाई करो और ये फुल वीडियो जो है वो, ये जो खाली ब्लैक डॉट नज़र आ रही है स्क्रीन, इसको भी आप फिल कर सकते हो जूम करके, ठीक है। तो इसके बाद इसके बैकग्राउंड पे आप म्यूज़िक लगाओ, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास टी की एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है टेक्स्ट की, इस पर क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे होल्ड ड्यूरेशन पे मैं लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं जी कुछ भी लिख देता हूँ, अभी मेरे माइंड में कोई चीज़ नहीं है। VSDC Pro, ठीक है, मैंने यही लिख दिया। यहाँ पे अब आप एडिटर में जाके टेक्स्ट का कलर जो भी करना चाहते हो, जैसी भी अलाइनमेंट करना चाहते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यही कर लेता हूँ फिलहाल। ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट आ गया। तो आप सिंपल, अब वीडियो होगी, इसके बैकग्राउंड पे कोई भी ऑडियो म्यूज़िक जो है वो फाइल लगा दो, एक्सपोर्ट करो सिंपल, जिस तरह हमने एक्सपोर्ट फाइल पर क्लिक की थी। ओके करो, ये हमारी फाइल जो है एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आप ओपन इन अ विजिट करके, दोबारा हम मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ लास्ट पे, ये फॉरगेट नहीं करनी है हमें। यहाँ पे हम तमाम इमेजेस को एक दफ़ा दोबारा डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम दोबारा इनको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ओपन इन अ विजिट। सो गाइस, जैसे ही आप ओपन इन अ विजिट करोगे तो हमारे पास ये तमाम इमेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। आप कोई भी इनमें से इफेक्ट चूज़ कर लो। ऐड इफेक्ट पे आपने क्लिक करनी है, ये ऐड हो जाएगा। दूसरे वाले एरो पे जाओ, नेक्स्ट कोई भी पुश डोर यहाँ पे लिखा होगा इस पे करो क्लिक और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो। ये वन बाय वन तमाम इमेजेस पे आपने कर लेना है और ये वीडियोज़ ऐसे चलेंगी, ठीक है। अब आप ट्रांजिशन भी यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसे ही अप्लाई करो, ये हमारे पास से एक वीडियो यहाँ पे फुल आ जाएगी बन के, और इसके बैकग्राउंड पे आप इजीली म्यूज़िक ऐड कर सकते हो और सिंपली इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखें, समझ आ गई आपको, ये देखें। तो आज की इस वीडियो में यही है। अगर उम्मीद करता हूँ कि ये VSDC का शॉर्ट्स को एडिट करने का ट्यूटोरियल भी आपको बहुत पसंद आने जा रहा है, और आप मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करोगे, और उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।